से पहले कि कुछ अंदाज लगा पाता, सामने से पत्थर आया और तड़ाक से सामने वाले शीशे को तोड़ता हुआ ड्राइवर के माथे पर आकर लगा। सीट के चारों ओर कांच के टुकड़े बिखर गए और ड्राइवर के माथे पर खून की धार उभर आई। बस रुक गई और क्या हुआ कि ससराहट लिए सवारियां एक एक करके नीचे उतरने लगी। पत्थर मारने वाले और उसके साथी ने बस थोड़ा सा दौड़ते हुए फोर सीटर को हाथ दिया और सभी के देखते देखते विजयी मुद्रा में आहिस्ता से उस पर चढ़ गए। पकड़ो पकड़ो सालों को, एक युवक दौड़ते हुए चिल्लाया। भीड़ में थोड़ी हरकत हुई, कुछ के हाथ बढ़े, कुछ ने आवाज से ही समर्थन दिया, लेकिन पकड़ने के लिए कोई आगे नहीं आया। अकेले दौड़ने वाले युवक की बाजू उसके साथी ने दौड़कर थाम ली। कहीं तो पागल तो नहीं हो गया? युवक की कनपट्टी पर छिटक आई पसीने की बूंदें बता रही थी उसके अंदर कुछ उबल रहा है। उसने एक बार फिर कोशिश की टू व्हीलर के पीछे बैठकर फटाफट चलने के लिए, पर वेस्पा का पायलट पूरी कहानी जानने के बाद ही स्टार्ट करना चाहता था। युवक को हार कर पीछे हटना पड़ा। लगभग 3-4 मिनट तक भागो दौड़ो की दाई बाई हुंकार के बाद दो आदमी स्कूटरों पर पीछा करने के लिए तैयार भी हुए कि एक अंधेड़ ने समझाया, अब क्या फायदा तुम्हारे दौड़ने का, अब तक तो वे कभी के चुंगी भी पार कर गए होंगे, बीच में उतर कर क्या पता किसी और बस में बैठ गए हों। अब तक बस की सवारियां 15-20 से बढ़कर 40-50 की भीड़ में तब्दील हो गई थी। उसे फौरन पकड़ा जा सकता था यदि जरा सी हिम्मत दिखाते। यह शायद उसी युवक का स्वर था, उसकी आवाज बता रही थी कि उसका गुस्सा अभी तक बना हुआ है। मैं क्योंकि ड्राइवर के बराबर वाली सबसे आगे की सीट पर बैठा था, अतः घटना का चश्मदीद गवाह था। हुआ ऐसा कि मैं थोड़ा आगे आ गया, एक लड़का भी सड़क पर आकर हाथ दे रहा था। हाथ क्या, सड़क के बीचों बीच आकर हाथ हिलाता हुआ वह लगभग उकड़ू सा हो गया बस रुकवाने की कोशिश में। ड्राइवर ने बस हल्की करके साइड से काटनी चाहिए, क्योंकि स्टैंड तो था नहीं, बस हल्की हुई कि तभी फटाक से पत्थर उसी लड़के ने मारा था, उसके किसी साथी ने, यह तो मुझे पता नहीं, मैंने सोच कर बताया। हो सकता है उसके साथी ने मारा हो, क्योंकि हाथ हिलाने वाले लड़के के हाथ में पत्थर तो कतई नहीं था। हद हो गई अंधेर गर्दी की, दिन के 11 बजे इतनी हिम्मत, इस सरकार के बस का कुछ नहीं है। उन्होंने अपना निर्णय दिया और किनारे हटकर नाक सुड़कने लगे। तुम्हें लगता है पुलिस वाले इसमें कुछ करेंगे? वो छूटते ही कहेंगे ये क्षेत्र हमारे थाने में नहीं आता, हमारा थाना तो इस पेड़ तक है, रिपोर्ट भी लिख लें तब भी बहुत समझना। अजी लिख भी लें तो क्या होगा, ऐसी रिपोर्ट वे रोज 1000 लिखते हैं। एक पुलिस वाला तो इस बस में भी था, वो जो खड़ा है मेरे साथ ही बैठा था। अधिकांश लोगों की निगाहें एक साथ उसकी ओर मुड़ गई। पुलिस वाला खाकी वर्दी में सबसे बाहरी घेरों से कुछ हट कर खड़ा था किसी वाहन में लिफ्ट लेने के लिए। उसके चेहरे से लग रहा था कि यह बातचीत उसके कानों तक पहुंच रही है, और इससे पहले कि इस पछड़े से रूबरू हो वह जल्दी से जल्दी वहां से कुछ करना चाहता है। पुलिस कांस्टेबल अभी तक निर्विकार भाव से सुने जा रहा था, आगे शायद उसकी बर्दाश्त से बाहर था। ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर, सारी बाबूगिरी निकाल दूंगा, तेरे भी तो टांगे दी है भगवान ने, मुझसे क्यों कह रहा था? मुझे क्या अपने बाप को नौकर समझ रखा है जो मुझसे कह रहा था? मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके आया हूँ, डबल ड्यूटी देकर पूरी 48 घंटे की। मैंने ठेका ले रखा है घर से दफ्तर तक सारी गुंडागर्दी का, भाड़ में जाए बस और तू। मुझे पता है कि वे इकट्ठे होकर मुझे चाकू भी मारते तो भी टुकुर टुकुर तमाशा देखते तुम सब। सुना आपने, ये है अपनी पुलिस का हाल। भीड़ तितर बितर होकर छोटे छोटे ग्रुपों में रेंगते रेंगते पेड़ की छाया में सरकने लगी। इस देश का तो अब भगवान ही मालिक है, हद होती है निकम्मेपन की भी। कहता है कि मेरी ड्यूटी तो बस थाने में होती है, इससे अच्छा तो गोरों का ही राज था, किसी की हिम्मत थी जो ऐसी बात हो जाए? सारे आम फांसी पर लटका देते ऐसे गुंडों को, ये साले हरामखोर हैं। क्या खुफिया क्या मंत्री सबकी मिली भगत है। एक 15 वर्ष का लड़का 14 आदमी मार दे दिन दहाड़े और टहलता हुआ निकल जाए, क्यों नहीं पकड़ा किसी ने? क्या ऐसे लोगों को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी ही है, आम नागरिक का कुछ कर्तव्य नहीं? पर रिस्क कौन ले, पुलिस के भरोसे बैठे रहोगे तो यही होता रहेगा। शाबाश, लौंडे का खून तो गर्म लगता है। पास वाले पान की दुकान से किसी ने टिप्पणी की, बेटा कहना बहुत आसान होता, जब करना पड़े तब पता लगता है। वो 4 होंगे 6 होंगे बस, इससे ज्यादा तो नहीं, और बस में थे 60 आदमी। मिलकर मुकाबला तो करते, पर कभी सुना है किसी ने मुकाबला किया? सब ऐसे चुप रहते हैं जैसे अनखे हों। दुनिया की कोई भी पुलिस ऐसे कत्लाम को बंद नहीं कर सकती।
पान वाले के मुंह में पान दबा था। उसने मुंह ऊपर उठाकर होठों से पीक अंदर समेटी। जरा बता दो भाईजान इन्हें अग्रवाल वाला किस्सा, बहुत देर हो गई इन्हें भाषण झाड़ते। भाई साहब माफ करना, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, आपका नाम तो नहीं पता पर इससे क्या फर्क पड़ता है। उनकी आवाज में सुपाड़ी कड़कड़ा रही थी। पिछले 15-20 दिन पहले की बात होगी, आपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम तो सुना ही होगा, अग्रवाल का। चलो कोई बात नहीं, तो कुछ नकल वकल का चक्कर था इन्हीं लड़कों ने जिन्होंने अभी इस बस में पत्थर मारा है, आप जानते हैं ना। युवक ने बीच में टोका, पहले मेरी बात सुनो पूरी, इन्हें इस इलाके के ज्यादातर लोग जानते हैं। हाँ तो मैं कह रहा था कि इन्हीं लड़कों ने सरेआम उसके चाकू मारे, किस्मत अच्छी थी जो बच गया, उसे अच्छी तरह पता है। इधर सुनो इधर, कि कौन लड़के थे, उसी को क्यों, सारे स्टाफ के लोगों को भी पता है, पर पुलिस ने लाख पूछा कि कोई पहचान, कितने थे, पर अग्रवाल साहब ने आज तक मुंह नहीं खोला। अग्रवाल जानता है कि ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल की सजा हो जाएगी इन गुंडों को, और हो सकता है वो ना भी हो। ये तो कोई बात नहीं हुई, जब उसे पता है तो नामजद रिपोर्ट करनी चाहिए थी, उसे अपने बच्चों का भविष्य भी देखना है भाईजान। पान वाले की आवाज में तुरशी आ गई थी। ऐसा है, आप रुको यहीं थोड़ी देर, घंटे आधे घंटे में वे इधर आते ही होंगे। आप इसी बस में थे ना, एक लड़का लाल रंग की शर्ट पहने था। हाँ, उसने कुछ सोचकर हाँ भरी। तो बस, नहीं तो मैं बता दूंगा, फिर देखते हैं कि आप क्या करते हैं। और ये भी बता दूं कि यहाँ पास में चौकी भी है इस पेड़ के पास, वहाँ हरदम 2 सिपाही भी रहते हैं, चाहो तो उन्हें भी तल्ला दे दो। युवक के मुंह पर अचानक जैसे चुप्पी आ गई। ठीक है कोई बात नहीं, पता है क्या टाइम हो गया। उसके साथी को गुस्सा आ गया था। ज्यादा बहादुर मत बन, इस बहादुरी को अपने गाँव में ही चलाइयो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बंद हो गया तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी एक सीएल जरूर खराब हो जाएगी। चल अब यहाँ से,